गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या उसकी दो मासूम बेटियों के सामने कर दी गई। बड़े होकर सफल बनना और माँ और बहन का साथ कभी मत छोड़ना, ये वो आखिरी शब्द थे जो पत्रकार विक्रम जोशी ने अपनी बड़ी बेटी से कहे थे। महसूस कीजिए उस पिता की पीड़ा को जिसको लगा कि वह मरने वाला है और वो अपने बच्चों से आखिरी मुलाकात कर रहा है। क्या बीती होगी उस पिता पर और क्या बीत रही होगी उस बेटी पर जिस मासूम के सामने उसके पिता की हत्या की जा रही हो। हमलावर लगातार विक्रम जोशी पर ताबड़तोड़ वार कर रहे थे, वही बेटी पिता को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। लेकिन हत्या आरोपी काफी जालिम थे, उन्होंने बेटी को भी धमकी दे दी कि अगर तू यहाँ से नहीं भागी तो तुझे भी मार देंगे। लेकिन बेटी निडर होकर पिता को बचाने के लिए शोर मचाती रही। घटना की चश्मदीद बेटी चाहत ने बताया कि बदमाश उसे मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन वो डरी नहीं। चाहत ने बताया कि वह अपनी बुआ के घर उनकी बेटी के जन्मदिन पर छोटी बहन बानी के साथ पिता के साथ गई थी, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उन्होंने पिता से कहा कि अब घर चलते हैं। वो बुआ के घर से कुछ दूर ही निकले थे कि कई युवकों ने धक्का देकर पापा की बाइक गिरा दी और अंगोछे से पिता का गला घोटने लगे। कई युवकों ने पिता पर हमला कर दिया। उसने अपने पापा को बचाने की कोशिश की और शोर भी मचाया, लेकिन आरोपी लगातार उसको डराते रहे और मारने की धमकी देते रहे। लेकिन चाहत ने बहादुरी दिखाते हुए पिता को बचाने के लिए शोर मचाना जारी रखा। लेकिन इसी दौरान एक युवक आया और उसने पापा के सर में गोली मार दी। वह दूसरी गोली के लिए तमंचे को लोड कर रहा था, लेकिन इसी दौरान परिवार के कुछ लोग शोर सुनकर आ गए और इसलिए आरोपी उन्हें देखकर भाग गए। इसी दौरान खींचातानी में अंगोछा भी फट गया। चाहत रोते हुए बताती है कि वो बचाओ बचाओ चिल्लाती रही, लेकिन पापा को बचाने कोई नहीं आया, लोग गुजरते रहे। चाहत कहती है कि अगर कुछ लोग आ जाते तो आज उसके पापा जिंदा होते, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की, कोई आगे नहीं आया। वहीं विक्रम जोशी की माँ राजवती कहती है कि वे अपने बेटे का पूरी रात इंतजार करती रही। उन्होंने बताया कि जो हुआ उसकी सपने में भी उम्मीद नहीं थी। जब वह घर से बाहर होता था तो थोड़ी बेचैनी होती थी, लेकिन आज वह अपनी बहन के घर गया था तो सोचा रात वहीं रुक गया होगा। बेटे को गोली लगने की सूचना तो उसे किसी ने रात में दी ही नहीं, इसकी जानकारी तो उसे सुबह सवेरे मिली। माँ कहती है कि बेटा विक्रम ही उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता था, अब कौन उसको पूछेगा, कौन उसको दवाई ला कर देगा। राजवती कहती है कि हम तो बर्बाद हो गई। जाहिर है पुलिस की लापरवाही से एक परिवार, दो मासूम बच्चियों की जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।